हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज इसके अंदर मिलने वाली है। क्वेश्चन हमारे पास में क्रिएट ए स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाइड डेटा ऑन स्टूडेंट्स गिवन बिलो, कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके स्टूडेंट का डेटा है, उसके क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कोर्स एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अगर हम इसको विदाउट स्ट्रक्चर करते तो हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, कोर्स के लिए और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। डिक्लेयर तो हम एक स्ट्रक्चर करेंगे लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 5 अब इस तरह के। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास 450 से ज्यादा का स्टूडेंट का डेटा नहीं है, उसके बेस के ऊपर हमें डेटा को निकालना है। तो हम 450 के तो एंट्री करेंगे नहीं, हम इसके अंदर कुछ 4-5 एंट्रीज के साथ में इसको काम कर लेंगे, उस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल सेव कर देते हैं सबसे पहले cl17_da1.c hash include stdio.h hash include ponio.h void main opening and closing हो गया, clrscr for clearing the screen, getcs for holding the screen output। फाइल हमने सेव कर दी, प्रोग्राम को हमने रन करवा करके चेक कर लिया कि कोई भी हमारे पास में एरर नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर का फर्स्ट रूल क्या है, आप प्रोग्राम के अंदर भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यूज आप जब करेंगे जब आप मेन फंक्शन से बाहर करेंगे और वो टॉप में कर दें, ताकि आपको विजिबल भी रहेगा और आपका स्कोप जो स्ट्रक्चर का हो वो भी आपका ग्लोबल हो जाएगा कि आप पूरे प्रोग्राम के अंदर पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड कौन सा होता है, स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे नाम देना है स्ट्रक्चर के टाइप का, तो दे दिया हमने स्टूडेंट। अब ये उसके हो गए एलिमेंट्स, कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे डिक्लेयर करना है उसके अंदर हमें क्या, रोल नंबर, तो उसके लिए दे दिया हमने रोल नंबर, ये हमने 6 डिजिट का दे देते हैं इसके अंदर। 6 डिजिट का क्यों, क्योंकि 5 डिजिट का तो हमारे पास में 5 कैरेक्टर का तो रोल नंबर होगा और लास्ट कैरेक्टर जो होगा एस्केप वो नल कैरेक्टर होता है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर रोल, जब 6 कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर नेम आ गया, ये 50 कैरेक्टर का दे देते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट आ गया, ये भी 50 का दे देते हैं। उसके बाद में आ गया हमारे पास में कोर्स, ये भी 50 का दे देते हैं। उसके बाद में आ गया ज्वाइनिंग ईयर ऑफ, तो वो हमारे पास इंटीजर टाइप की हो गई, तो वाई जो को हमने बोल दिया ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्रक्चर। अब हमें क्या बोला गया कि 2 फंक्शन बनाने हैं जिसके थ्रू की हमें एक्सेस करना होगा, एक तो ईयर के बेस के ऊपर और रोल नंबर के बेस पे। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसको स्ट्रक्चर को तो हमने डिक्लेयर कर दिया, अब इसका वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें। जैसे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर हुआ ईयर डिक्लेयर करना होगा तो इंटीजर ईयर हमने डिक्लेयर कर दिया, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, तो स्ट्रक्चर टाइप क्या हो गया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये एक पूरा डेटा टाइप हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये तो हो गया टाइप। अब इसके वेरिएबल का नाम क्या होगा, वो लिख दिया हमने यहाँ पे एस। अब ये हमें एरे डिक्लेयर करना है, एरे डिक्लेयर करना तो हमने एरे कर दिया, उसके अंदर इसको इनिशियलाइज भी करना है तो हमने क्या कर दिया, ये इनिशियलाइज कर दिया। जिस तरीके से नॉर्मल एरे को इनिशियलाइज करते हैं वैसे इसके अंदर करेंगे। अब इसके अंदर कुछ डेटा की एंट्री कर देंगे, तो डेटा एंट्री करने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर इनिशियलाइज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे कि ये आ गया फर्स्ट कलेक्शन आ जाएगा, ये सेकेंड कलेक्शन आ गया, ये थर्ड कलेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, इतने कलेक्शन हम इसके अंदर एंट्री कर देते हैं। एंट्री वैसे करनी है 1 by 1, जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट का रोल नंबर, तो दे दिया हमने 1 2 3 4 5। उसके बाद में आया था नेम, नेम के अंदर अब गया हमारे पास में अमिताभ। उसके बाद में आ गया हमारे पास में डिपार्टमेंट एक्टिंग। उसके बाद में आ गया कोर्स, ये एक्टिंग आ गया, कोर्स के अंदर बोल देते हैं हम ड्रामा। अब सेकंड आ गया हमारे पास में, दूसरे स्टूडेंट का नाम ले देते कुछ भी,
रोल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6। उसके बाद में ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी देनी थी इसके अंदर, तो हमने दे दिया इसको ज्वाइनिंग के लिए, बोल दिया हमने ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इंटीजर था, ये बोल दिया हमने 2000। ठीक है, अब जो सेम था हम इसी चीज को बार बार रिपीट कर लेते हैं, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, नाम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। कॉपी कर लिया हमने यहां से, इसके जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया, ये तीनों हमने क्लियर कर दिया। शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, हम क्या करते हैं 5 स्टूडेंट किसके अंदर एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहां बोल दिया हमने 6 7 8 एंड 9। अमिताभ बच्चन आ गए, ये हमने अभिषेक बोल दिया। उसके बाद हमने बोल दिया अक्षय, धर्मेंद्र, और ये बोल दिया हमने अजय देवगन। ठीक है, अमिताभ और धर्मेंद्र का हमने डाल दिया 2000, बाकी का डाल देते हैं कि ये इन्होंने स्टार्ट करा 2010 के अंदर, इन्होंने शुरू करा 11 के अंदर, और इन्होंने शुरू करा 2022 के अंदर। ये हमारे पास अभी तक का डेटा था, इसको हमने सेव कर दिया। कंट्रोल F9 करते हैं, कोई एरर है कि नहीं। एक एरर आ रही है हमारे पास में, एरर क्या आ रही है, टू मेनी टाइप इन डिक्लेरेशन, टू मेनी टाइप डिक्लेरेशन आ गया, स्टूडेंट एस आ गया हमारे पास में। तो ये इसलिए आ गया क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन कर रखा है, स्ट्रक्चर को जब क्लोजिंग ब्रैकेट होता है तो उसके बाद में सेमीकोलन लगाना होता है। फाइल सेव कर दी है, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर हमारे पास में नहीं आई है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर का डेटा को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें इस डेटा को एक्सेस करके चेक कर लेते हैं, इसको प्रिंट कैसे करें, कैसे करेंगे एक्सेस। हमने यहाँ पे एक आई ले लिया, जैसे नॉर्मल एरे को यूज करते हैं कि एक इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए चाहिए, तो वैसे ही इसके अंदर ये चलता रहेगा। आई आ गया, अब हम इसको क्या करते हैं, फोर आई इक्वल टू जीरो, 5 एलिमेंट ले रखे, तो हम क्या बोलेंगे आई इज लेस देन 5, आई हो जाएगा प्लस प्लस, और इसको हम प्रिंट करते हुए चलते हैं। केवल एक चीज को प्रिंट कर लेते हैं, नाम को प्रिंट कर लेते हैं, नाम और रोल नंबर स्लैश एन, तो क्या बोल रहे हैं परसेंट एस, तो हो गया हमारे पास में रोल नंबर, उसके बाद में स्लैश टी, उसके बाद में आ जाएगा परसेंट एस। ये कैसे आएगा, स्ट्रक्चर को एक्सेस किस तरीके से करते हैं, उसके डॉट ऑपरेटर के थ्रू। एस आई तो नॉर्मल एरे को यूज कर लिया हमने, अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करना था कैसे, कौन सा एलिमेंट करना है प्रिंट में, यहाँ पे रोल नंबर, सेकंड वाले में क्या करना है नेम। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 कराया, तो हमारे पास में प्रिंट हो गया एज इट इज, जो भी डेटा हमें चाहिए था। तो डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, ये हमें मिल गया है। अब इसके साथ में जो भी डेटा है हम इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट के अंदर हमने प्रिंट करवा देते हैं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं, स्लैश टी के अंदर परसेंट एस, स्लैश टी के अंदर परसेंट एस, ये क्या हो गया हमारे पास में डिपार्टमेंट एंड कोर्स, एस आई डॉट डिपार्टमेंट, एस आई डॉट कोर्स, उसके बाद में हो जाएगा एस आई डॉट वाई जे। वाई जे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर टाइप का वो स्लैश टी ले लेते हैं, उसके अंदर परसेंट डी कर देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो डेटा जिस तरह का था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर प्रिंट करा हुआ है, जो भी जिस तरीके से था। इंटीजर था तो इंटीजर टाइप को परसेंट डी ले लिया, स्ट्रिंग था तो परसेंट एस ले लिया, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। तो ये डबल डबल आ गया है कैसे, ठीक है, उनकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास डेटा गया, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ए फंक्शन टू प्रिंट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड इन ए पर्टिकुलर ईयर। हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि ईयर के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टर करके दे देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट ईयर हमने ले लिया है, एक फंक्शन हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं, वोइड प्रिंट नेम, केवल हमें नेम प्रिंट करना है, इसके बेस के ऊपर इंटीजर टाइप का तो एरे चला जाएगा, और स्ट्रक्ट
इंटीजर टाइप की तो ईयर चली जाएगी और स्ट्रिक्ट स्टूडेंट टाइप का हमारे पास में एरे चला जाएगा यहाँ पे, ये हमने दे दिया एरे। तो ये हो गया हमारे पास प्रोटोटाइप डिक्लेयर हो गया, इसको मैं बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रोटोटाइप को हम कॉल कर लेते हैं, ये डिफाइन करते हैं कैसे करेंगे, void print name integer आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने डेटा पास करा था स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में डेटा जो भी हमारे पास में आना होगा S50 आ गया जैसे। अब हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर को एरे को एक्सेस करने के लिए क्या वेरिएबल है ना, आई ले लिया हमने, आई को हमने रिसर्च कर दिया जीरो से। अब हम क्या करते हैं, वाइल आई, हमें पता है कि हमने 6 का ही डेटा पास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम कर देंगे आई प्लस प्लस, ताकि हम डेड लॉक के कंडीशन में ना फंसे, पहले ही चीज को लिख देते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, इफ रोल नंबर जो है अगर इक्वल है उसके, नहीं पहले तो हम ईयर का पास कर रहे हैं, तो ईयर इक्वल टू है किसके, स्टूडेंट का एस का आई डॉट वाई जे, तो हमें क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट का नाम स्लैश एन परसेंट एस, और यहां क्या आ जाएगा एस आई डॉट नेम। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमने डिसाइड इंप्लीमेंट कर लिया, उसको रन कराएंगे। अब इसको हम कॉल करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल ईयर था ईयर पास कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ईयर को भी हमको स्कैन कराना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंटर एनी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, एंट्री करो, कैसे करेंगे, स्कैन एप के थ्रू क्या पास करेंगे, फॉर्मेट स्पेस में परसेंटेज डी एम परसेंट ईयर, ये हो गया स्कैन ईयर की। इसके बाद हमें कॉल करना है, तो कॉल करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ फिल्टर्ड डेटा ऑन बेसिस ऑफ ईयर, कैसे आएगा, यह हमें कॉल करना है किसको, प्रिंट नेम को, उसके अंदर पास क्या करना है ईयर, जैसे नॉर्मल फंक्शन के अंदर पास करते हैं नॉर्मल वेरिएबल को, वैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पास कर देंगे, स्ट्रक्चर क्या जा रहा है हमारे पास में एस, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया, कंट्रोल एफ नाइन करा, कोई एरर नहीं आई। एंटर एनी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए हमारे सामने एंटर करते 2000 की, 2000 के अंदर हमारे पास में दो बंदे थे कैंडिडेट, तो दोनों के नाम आने चाहिए, एक तो अमिताभ और दूसरा धर्मेंद्र, तो हमारे पास में आउटपुट आ गया है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हो सकता है दूसरे भी चेक करा लेते हैं एक बार, 2022 के अंदर हमारे पास में अजय देवगन है, तो अजय देवगन आना चाहिए, तो ये हमारे पास में एक्चुअल डन हो गया। अब दूसरा हमारे पास में क्या था, कॉल राइट ए प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द डेटा ऑफ स्टूडेंट Whose role number received by the function? अब हमें रोल नंबर को रिसीव करना है और उसको हमें प्रिंट करना है कि अगर रोल नंबर उसका मैच करता है तो जैसे ये डिक्लेयर करा था प्रोटोटाइप, वैसे उसी तरीके से डेटा को प्रिंट करने का भी हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दें। void print data, रोल नंबर जाएगा कैसे, स्ट्रिंग के अंदर एरे टाइप का जाएगा इसके अंदर, और दूसरा जाएगा struct student, ये तो हो गया प्रोटोटाइप। अब इसका हम डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर कर दिया, इसको डिफाइन कर देते हैं, void print data, कैरेक्टर आएगा हमारे पास में रोल नंबर 6 कैरेक्टर का हो सकता है, और स्ट्रक्चर हमारे पास में आ गया स्टूडेंट S50 का, और ये हो गया कॉल। अब हमें यहाँ पे कंपेयर सेम एजिटिव जो ऊपर कर रखा था उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ये कॉपी करा और ये हमने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब जब इक्वल होगा, अगर मैच हो रहा है डेटा, तो उसके ऊपर हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, उसका नाम अता पता सब कुछ प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ ले लेते हैं, नाम हो गया, नाम, डिपार्टमेंट, कोर्स, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग,
ईयर ऑफ ज्वाइनिंग तो हमारे पास में कैसा डेटा आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे कर दिया हमने वाई जे। उसके बाद में कोर्स, ये आ गया डिपार्टमेंट, ये आ गया नेम और ये आ गया रोल नंबर। फाइल हमने सेव कर दी अभी के। लेकिन देखिए इसके अंदर हम पास क्या करें, कैरेक्टर मतलब कि स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग को अभी कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ में, रोल नंबर के साथ में। यहाँ हमने बोल दिया रोल नंबर। वैसे देखा जाए तो हमने जो लिखा है सिंटेक्स बिल्कुल सही है, लेकिन हमने स्ट्रिंग वाले चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रिंग को अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या यूज करेंगे। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है, उसके अंदर हमारे पास में अवेलेबल होता है strcmp। अगर हमें ध्यान नहीं है तो हम इसको हेल्प फाइल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच फाइल सेव करी। अब इसके अंदर हम जाके चेक करते हैं कि किस तरीके से strcmp का आउटपुट आता है। strcmp को हमने यूज करा तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अगर S1 एंड S2 दोनों इक्वल है तो रिटर्न में हमें क्या भेजी गई, जीरो। अगर तो हमें चेक करना है strcmp के अंदर दोनों पास करने हैं और रिटर्न में हमारे पास में अगर जीरो आता है तो मतलब कि दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, ये इक्वल ना करके क्या करेंगे हम यहाँ पे strcmp। ओके, पहले एक बार इसको रन करा के चेक कर लेते हैं, यकीन हो जाए कि इसको इस तरीके से करना भी है कि नहीं करना है। तो प्रिंट नेम हो गया, उसी तरीके से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एंटर एनी रोल नंबर, रोल नंबर पूछेंगे स्ट्रिंग टाइप के अंदर, ऐसा आ गया। यहां पूछेंगे रोल नंबर, हमने वेरिएबल ले लेते हैं, ऊपर वेरिएबल लिया है कि नहीं देख लेते हैं। आई हो गया, ईयर हो गया, इसको हमने ले लेते हैं एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, रोल नंबर 6 कैरेक्टर का ले लिया हमने। इसको हम स्कैन करवा लेंगे स्कैनर के थ्रू, ये हो गया फिल्टर डेटा ऑन बेसिस ऑफ रोल नंबर, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे प्रिंट डेटा को। यह हमने पास क्या कर दिया, रोल नंबर और एस, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। कोई एरर नहीं आई है हमारे पास, ज्वाइनिंग के बेस पे करते हैं तो 2010 हमने पास करा तो हमारे पास में आ गया अभिषेक। रोल नंबर पास करते हैं 1, 2, 3, 4, 6 करा हमने, तो देखिए फिल्टर डेटा ऑन बेसिस ऑफ रोल नंबर हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि स्ट्रिंग ने अपने आप को कंपेयर नहीं करा है। अब इसके जगह पर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग डॉट एच का strcmp, strcmp, ये पहला वेरिएबल हो गया रोल नंबर, ये आ गया एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी वैल्यू अगर जीरो है तो ये हमें प्रिंट में करके दे देगा। अब हम देखते हैं क्या होता है। 2000 रोल नंबर की एंट्री कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 7, तो आउटपुट में आ गया रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 7 अक्षय एक्टिंग ड्रामा 2011। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। तो इससे ये भी हमें आइडिया हो गया किस तरीके से हम डेटाबेस बनाते हैं फाइल टाइप का, जब हम सी लैंग्वेज के साथ में काम करें तो फाइल के अंदर डेटा के इनपुट या आउटपुट कैसे करते हैं, ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन वो डेटा इनपुट क्या करना है कि आउटपुट में क्या लेना है, वो हम इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ओके।